Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is safe and sound. Today in our video we are going to learn about the osmosis and guard cells from chapter number 4, cells and tissues. In our previous video we have understand that what is osmosis, osmosis kya hota hai. Ab hum osmosis aur guard cells ka kya relation hai ye dekhenge. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टोमेटा ओपनिंग इन लीफ एपिडर्मस आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स क्या हैं? अब ये जो स्टोमेटा है जो कि लीव्स में पोर्स होते हैं जिसकी मदद से जो लीव्स हैं वो ट्रांसपायरेशन करते हैं, उनके गिर्द उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स. अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज स्टोमेटा, ये एक स्टोमेटा है और इसके गिर्द जो है मौजूद यहाँ पे होते हैं गार्ड सेल्स जो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को देखते हैं. अब यहाँ पे ये स्टोमेटा ओपन्ड है और यहाँ पे स्टोमेटा जो है ये क्लोज्ड है. अब नेक्स्ट, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त गार्ड सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं और वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होते हैं, जबकि जहाँ पर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है. वाटर एंटर होता है दूसरे सेल से और वो स्वेल हो जाते हैं. इस फॉर्म में वो रिजिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और एक बॉड टाइप की, मतलब फूली हुई एक शेप बना देते हैं और फिर वहाँ पे एक पोर बनता है, एक सुराख बनता है उन दो सेल्स के दरमियान. अब जब रात होती है तो जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है गार्ड सेल्स में और जो वाटर है वो लीव्स में से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और जो सेल्स हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं. इसमें क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स हैं वो रेस्ट करते हैं और जो स्टोमेटा है वो ओपनिंग है जो स्टोमेटा की वो क्लोज हो जाती है. अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, यहाँ पे जैसे ही वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है तो गार्ड सेल्स दिन में जो है वो ओपनिंग को बंद कर देते हैं और रात में ओपनिंग को जो है वो खोल देते हैं. दिस वे इसी तरह से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं किस रात को आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से इन गार्ड सेल्स में जो है वो स्टोमा के बाहर आ रहे हैं. ये वेसल सेल्स हैं, ये एयर स्पेसिस हैं, ये मीजोफिल सेल्स हैं और ये स्टोमा है एंड दिस इज गार्ड सेल्स. नाउ आई विल शो यू अ वीडियो जिसमें आप ये पूरी प्रोसेस देखेंगे किस तरह से गार्ड सेल्स ओपन होते हैं एंड क्लोज होते हैं. ये एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का जिससे रिलेटेड ही स्ट्रोमा और गार्ड सेल्स हैं. अब यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह से एक लीफ है, सॉरी फॉर द रिजल्ट ऑफ दिस वीडियो. नाउ दिस, जिस तरह पानी जो है वो स्टेम से निकल रहा है और ऊपर ये लीफ तक पहुंच रहा है. अब ये सूरज की रोशनी पड़ रही है. अब इस वक्त जो है वो गार्ड सेल्स क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे. अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है. ये एक लीव का अब दिखाएंगे पूरा स्ट्रक्चर. ये जाइलम एंड फ्लोएम, ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है. अब ये एक सेल है पूरा प्लांट का. ये एयर स्पेसिस हैं जो यहाँ मौजूद हैं. ये ट्यूब्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये है स्ट्रोमा
और यहाँ मौजूद हैं गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स हैं। अब ये किस तरह से मॉलिक्यूल्स वाटर के वो इनसाइड आएंगे और आउटसाइड आएंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सूरज की जो रोशनी है वो इस सेल पे पड़ रही है और अब जो है वो प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का। अब ये ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। ये है स्ट्रोमा और ओपनिंग, और ये इस तरह से वाटर को जो है वो लीव से रात के टाइम बाहर निकाल देते हैं और सुबह सुबह जो है वो हमें महसूस होता है कि ओस के कतरे जो हैं वो हैं, और वो वही ड्यू ड्रॉप्स होते हैं जो इन स्ट्रोमा के थ्रू सेल से बाहर आते हैं प्लांट से। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। सेमी मेम्ब्रेन की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उसका काम है। पहले तो इट इज़ कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, इसमें ये काबिलियत है कि ये सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकती है, मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें ये फिल्टर कर लेती है। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन आर यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेज बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट क्रॉस अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। अब आर्टिफिशियली बनाई गई सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन जो है वो इस्तेमाल की जाती है कि बैक्टीरिया को वायरस से सेपरेट किया जाए, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया जो है वो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। फर्दर है रिवर्स ऑस्मोसिस। In advanced water treatment technologies, membrane-based filtration systems are used. In this process, semi-permeable membrane separates salt from water. Advanced technology में filtration system-based जो है वो membrane use की जाती हैं, जिसमें salt को पानी से separate किया जाता है. Just like this, आप यहाँ देख रहे हैं, ये salt इधर रह जाएगा और पानी जो है वो इस तरफ इस block में चला जाएगा. और ये जो है reverse osmosis कहलाता है. देन नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच जिससे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें फोर्सफुली जो है वो मूव करवाया जाता है अक्रॉस सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। मतलब हम हेल्प लेते हैं हाइड्रोस्टेटिक वाटर प्रेशर की या ब्लड प्रेशर की, जिसके थ्रू जो है वो काम लिया जाता है इसको आर्टिफिशियली मूव करवाने का। अब आप देख सकते हैं यहाँ ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो इस स्ट्रेन में रह जाएंगे और बाकी जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ से पास आउट हो जाएंगे। सो फिल्ट्रेशन कहते हैं छानने के अमल को, जैसे हम चाय जो है वो छानते हैं उस तरह से। यहाँ एक फिगर है, फिगर 4.24, जिसमें जिसकी स्टेटमेंट है फिल्ट्रेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी वॉल।
ये सेल मेम्ब्रेन की कैपिलरी इवॉल्व से जो है वो फिल्ट्रेशन हो रही है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो येलोइश नज़र आ रहे हैं ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब ये मेम्ब्रेन से इसको फिल्टर कर रहे हैं तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो वहीं रह जाएंगे, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से पास आउट हो जाएंगे। नाउ हियर वी हैव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसे ट्रांसपोर्ट को कहते हैं जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। फॉर एग्जांपल आपने सीढ़ियों से ऊपर जाना है, आप जो है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ है, सीढ़ियों के ऊपर जो है वो हायर कंसंट्रेशन है। अब आप जो है वो ऊपर जाने के लिए अब स्टेयर्स से जाएंगे तो एनर्जी यूज़ करेंगे। सिमिलरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है जो है वो एनर्जी यूज़ करता है एटीपी मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अब आप यहाँ देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इनको जाने के लिए एक एटीपी की ज़रूरत है। जो ये देखें जैसे ये आके यहाँ पे लग रहा है, ये एटीपी इसको ऊपर मूव करवा रही है। तो इस किस्म की ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। अब इस प्रोसेस में एक कैरियर प्रोटीन होता है सेल मेम्ब्रेन का, जो एनर्जी यूज करता है मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल जो मेम्ब्रेन है नर्व सेल्स के, उनके अंदर कैरियर प्रोटीन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। इन रेस्टिंग मतलब जब नॉन कंडक्टिव नर्व इम्पल्स होती है, जब नर्व सेल रेस्ट पे होते हैं, तो ये पंप जो है ये एनर्जी जो है वो यूज़ करता है ताकि वो हायर कंसंट्रेशन जो पोटेशियम की है और जो लोअर कंसंट्रेशन है सोडियम की उसको बरकरार रख सके, मेंटेन रख सके। अब इस मकसद के लिए जो पंप है वो एक्टिवली मूव करवाता है सोडियम को मतलब सेल के बाहर जहाँ पे वो ऑलरेडी हायर कंसंट्रेशन में होते हैं, और सिमिलरली वो मूव करवाता है पोटेशियम को इनसाइड जहाँ पे ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ये एटीपी जो है ये मदद करता है इस सोडियम पोटेशियम पंप को मेंटेन करने के लिए। सोडियम जो है वो आउटसाइड निकालते हैं और जो पोटेशियम है वो इनसाइड आते हैं सेल के। नाउ जो नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट है दैट इज एंडोसाइटोसिस, मतलब के इंजेस्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर जो है वो बल्की मटेरियल इंजेस्ट होता है और उसकी इनफोल्डिंग बन जाती है। जैसे कि ये एक बल्की मटेरियल है, अब ये सेल के अंदर जाएगा यहाँ से और यहाँ पे इनफोल्डिंग हो जाएगी इसकी सेल के अंदर, और इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फेगोसाइटोसिस और एक होती है पिनोसाइटोसिस। अब ये जो फेगोसाइटोसिस है इसमें हम सॉलिड पार्टिकल जो है वो इंजेस्ट करते हैं, जबकि पिनोसाइटोसिस में जो है वो लिक्विड फॉर्म में ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एंटर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, ये इसके अंदर इंजेस्ट होगा अगर आप यहाँ देखें ऊपर वाली पिक्चर में, और यहाँ पे ये लिक्विड पार्टिकल जो है ये सेल के अंदर एंटर होके बल्कि सी एक कंस्ट्रक्शन कर रहा है। सो ये दोनों टाइप्स जो हैं ये एंडोसाइटोसिस से रिलेटेड है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बल्की मटेरियल है वो सेल से बाहर की तरफ एक्सपोर्ट होता है। अगर आप इस वीडियो में देखें तो ये एक बल्की मटेरियल है जो सेल से बाहर निकल रहा है। सो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। यहाँ एक फिगर है, फिगर 4.26, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। आप यहाँ देख सकते हैं ये बल्की मटेरियल किस तरह से सेल के अंदर आ रहा है। अब जब ये बल्की मटेरियल की ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये टूट जाएंगे डिफरेंट वेसिकल्स में, तो ये बल्की मटेरियल जो है वो सेल से बाहर निकलेगा। अब ये जो सेल के अंदर एंटर हुआ है इस मूवमेंट को हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे, और जब ये यहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा और ये सेल से बाहर एक्सपोर्ट होगा तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। So this was all about today's video. I hope you have understood all the processes which I have told you in this video. Thank you so much for watching the video.